नमस्कार, मैं अमेठी से सूर्य कुमार त्रिपाठी। किसान भाइयों, विगत सितंबर 2022 में अमेठी और सुल्तानपुर जनपद के कुल 50 किसानों को नाबार्ड के क्रेडिट एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के अंतर्गत ओंकार सेवा संस्थान के द्वारा किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान तथा कृषि विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के लिए किसानों को ले गया गया था। उपरोक्त प्रशिक्षण में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में किसानों ने खेती उत्पादन की नवीनतम जो तकनीकी है उसके बारे में किसानों को जानकारी मिली, प्रैक्टिकल जानकारी भी किसानों को मिली तथा क्षेत्र पर किसानों ने विभिन्न तरीके से जो सब्जी की खेती की जाती है, संरक्षित खेती की जाती है, उसके बारे में जानकारी हासिल की। उसके पश्चात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किसानों ने दुग्ध प्रसंस्करण के विषय पर और मोटे अनाज पर जो है गहन जानकारी हासिल की। वहां से लौटने के पश्चात किसानों ने अपने खेतों में उसका प्रयोग करना शुरू किया और उसके बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम आज सामने हैं। विगत दिनों नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक ने उपयुक्त किसानों के प्रक्षेत्र पर भ्रमण कर जमीनी हकीकत जानी, जिसमें कई किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गांव के समाज के अन्य किसान भी उससे जो है सीख करके उसी तरीके से खेती कर रहे हैं और अधिक मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब हो कि गांव में किसानों के पास तकनीकी संसाधन बहुत कम है और स्थानीय स्तर पर उनको तकनीकी जानकारी भी नहीं मिल पाती है। इसके लिए ओंकार सेवा संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है और क्षेत्र के किसानों को विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में तथा भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए ले जाता है, जिससे किसानों को लगातार नई नई जानकारी हासिल हो रही है और किसानों को लाभ मिल रहा है। क्षेत्र के अन्य किसानों को भी इससे जुड़ करके लाभ लेना चाहिए। किसानों ने ओंकार सेवा संस्थान के सूर्य कुमार त्रिपाठी तथा नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अभिनव द्विवेदी जी को आभार व्यक्त किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।